हाय किड्स, हाय सर। आज हम देखो ये वाला गेम खेलने, जो हमने पहले गेम खेला था ना, उसी को हम फिर से रिपीट करते हैं। रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5 इन द सर्कल्स। अभी हम कोई पिछले बार हमने क्या किया था, गेस किया था ना एक नंबर। इस बार हम गेस नहीं करेंगे, इस बार हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब क्या है, 4 का मल्टीपल मतलब, एक बच्चा बताएगा कोई, 4 का मल्टीपल, हाँ 8 मतलब 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 का क्या है वो टेबल, सिंपल है, ठीक है। 4 का मल्टीपल अब बताओ क्या, 8, 12, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 34, 48, 52, 56, 60, 64, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, चार चार के गैप में तो हमको मिलते रहेंगे। अब है हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर 6, 12, 18, 24, 32, 48, 54, 60, 66, 67, 72, 78, 80, 4, 90, ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। अब 5 का बता दो, 5 की तो बहुत इजी है, 5, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, ठीक है। ऐसे चलते रहेंगे, अभी देखते हैं हम कितनी जरूरत पड़ती है हमें। What common multiples from 5 and 6 did you write in the green part? अब देखो green part है ये, green part देखो इस 6 का भी है, देखो 6 येलो वाला है, और इसका भी है, ये 5 वाला का, ठीक है। मतलब इसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट, तो ये जो ये वाला पार्ट ग्रीन है, अब वो बोल रहे हैं इनमें से जो कॉमन है, जो इसमें भी है इसमें भी है, वो इसमें भरना है हमने। अब देखो क्या है इसमें, ऐसा देखो जरा ध्यान से, 30, 60, ओके 30 दोनों में है, 60, ओके 60 दोनों में है, सर 90 दोनों में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे आगे भी, अगर हम इन मल्टीपल्स को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो और हमें नंबर्स मिलते रहेंगे। What common multiples of 4 and 6 are written in the orange part? Orange में लिखने हैं 4 और 6 के, जो 4 में भी आ रहे हैं 6 में भी आ रहे हैं। 12, 24, 36, 12 के पहाड़े में जितने भी आते होंगे सब आएंगे। अब 48 आएगा, 60 आएगा, ओके, और आगे आते रहेंगे, लिखते रहना, ठीक है। अब देखो, अब है इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑन 4, 6 एंड 5। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने ये दो लिखे, ठीक है, एक हमने लिखा ग्रीन पार्ट में, एक हमने लिखा ऑरेंज पार्ट में। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे मल्टीपल्स जो कि 4 में भी है, 6 में भी है और 5 में भी है, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, सर यहाँ पे सेंटर में, इस वाले में, ठीक है, क्योंकि ये 4 वाला पार्ट भी कवर कर रहा है, 6 वाला भी कवर कर रहा है और 5 वाला भी कवर कर रहा है। तो अब बताओ इनमें से क्या कोई ऐसा दिख रहा है जो तीनों में हो, 60, ओके 60, और कोई है ऐसा, है कोई ऐसा, नहीं, ठीक है 60 ही है। फिर 60 के बाद क्या होगा, अब 120, वेरी गुड, कितना 120, फिर 180, ठीक हो गया। Yes, sir. अब बोल रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। अब वो बोल रहे हैं इन जो ये जो तीन नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, या ऐसे हम कई सारे और नंबर्स आगे भी लिख सकते हैं, मतलब जो 60 का टेबल है सीधी सिंपल सी बात है वही लिखने हैं। तो अब वो बोल रहे हैं इन तीनों में से जो सबसे छोटा है वो कौन सा नंबर है, 60, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या LCM भी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, LCM, ठीक है, या हिंदी में अगर हम इसको तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ पॉ, सुना है लॉस ऑफ पॉ, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ पॉ, यही होता है लॉस ऑफ पॉ,
ठीक है, लॉस ऑफ पावर मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मतलब जो उन नंबर्स में सबसे छोटा है जिसमें कि उन सब का भाग जा सकता है। मतलब 60 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिससे इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी भाग जाता है। इससे छोटा कोई भी नंबर होगा उसका एक से तो चला जाएगा, हो सकता है दो से चला जाए, लेकिन तीसरे वाले से नहीं जाएगा भाग। ठीक है, मतलब ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिससे कि इन तीनों संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। पूरा पूरा जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, शेष कितना आना चाहिए, जीरो। शेष जीरो आना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब होता है कि शेष क्या आ रहा है, जीरो। क्लियर है?